हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे सिलेक्शन प्रोसीजर इशू, रेलवे पद खाली फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं, ऐसा मामला हर जोन में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मामला है किसी एक जोन का नहीं है, ये मामला हर जोन में हुआ है, या फिर कहे तो हो रहा है। अभी कैंडिडेट्स परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ क्लियर है, फिर भी मेरा पैनल में नाम क्यों नहीं आया। ठीक है, किसी को A2 मेडिकल मिला है तो भी नहीं आया है, किसी को A3 मिला है तो भी नहीं आया है, किसी को B1 मिला है तो भी नहीं आया है। जबकि आप ये जानते हैं, कहा जाता है रेलवे में कि अगर आप मेडिकल पास कर लेते हैं और बिल्कुल बॉर्डर पे भी आपका मार्क्स है तो फिर आपका नौकरी तय है, यानी कि 0.01 भी एक्स्ट्रा नहीं है तो भी आपका नौकरी मिलना तय है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से देखा जाए ये कहना सही होता है, बट बहुत से लोग वहाँ पे क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात भी नहीं जानते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी सही है फिर भी कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं, यानी कुछ और ही अलग खेल हो गया है। ठीक है, अभी तक पहले ज़माने में कहा जाता था कि DV मेडिकल तक पहुँच गए, नौकरी कन्फर्म हो गई, फिर उसके बाद क्या कहा जाने लगा कि अगर आपका मेडिकल अच्छा है, मतलब B1 तक है, फिर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। लेकिन अभी नया मामला क्या आया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड B1 तक है फिर भी कोई पोस्ट अलॉट नहीं किया जा रहा है। साफ साफ बोला जा रहा है पोस्ट खाली है फिर भी आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट खाली है फिर भी आपको नहीं देंगे, वो नया DV कराएंगे बट आपको बाहर कर देंगे, या फिर आपको तभी पोस्ट मिल सकता है जब जो ज्वाइन कर चुका है वो छोड़ दे, यानी कि फिर रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो उसमें आपको मौका दे, ये हो सकता है। रिप्लेसमेंट पैनल आता है, नया रूल आया है, पहले नहीं था, अब रिप्लेसमेंट पैनल का रूल आया है तो वो उसमें आपको मौका मिल सकता है 1 से 2 साल के भीतर, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा फिर कब आएगा, मतलब टाइम लगता है। 2 साल तक का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है, 2 साल तक वैलिडिटी होती है किसी पैनल की। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। तो अब कहेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख रहे हैं ना न्यूज़पेपर कटिंग में लगाया हूँ, 575 पद खाली फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं, ऐसा क्यों पहली बार हो गया, क्या पहले भी हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम न्यूज़ देख लेते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में ये बातें आई हैं तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मामला केवल एक जोन का नहीं है, हर जोन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और EWS वालों के साथ ज़्यादा हो रहा है। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं EWS अभी नई कैटेगरी है, पहले नहीं थी, ये पहली बार इसमें आई है, जिसके वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अदर कैटेगरी वाले थे बट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, इसके पीछे भी रीज़न है, अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और इसके साथ 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 बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो हमेशा देखते रहें। ठीक है, ताकि आपको हमेशा जेन्युइन अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, RRC की Level 1 2019 ग्रुप डी भर्ती का मामला, दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, 575 पद खाली फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं। ठीक है, अब सोचिए, पद खाली भी है फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह भी नहीं, यानी DV मेडिकल सब कुछ कंप्लीट है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, उससे ऊपर है, फिर भी उनको जगह नहीं मिल रहा है, उनका पैनल में नाम नहीं आ रहा, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, RRC की Level 1 2019 ग्रुप डी भर्ती फिर विवाद में फंस रही है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद 150 अभ्यर्थियों को जगह नहीं है बताकर अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। इस मामले पर कई जिलों के अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया, रोज सुबह वह RRC दफ्तर पहुँच सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है किस आधार पर चयन नहीं हुआ ये बताना चाहिए। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज मुख्यालय के बाहर मंगलवार शाम भी अभ्यर्थियों ने पहुंच नारेबाजी की, सभी चेयरमैन से मिलना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अभ्यर्थी आकर विरोध जताने लगे हैं, कई अभ्यर्थी तो रात में रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर हैं। मंगलवार शाम अभ्यर्थियों की एक फोटो वायरल होने के बाद यूनियन नेताओं ने इस इंतजाम पर सवाल उठाए। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में लगभग 140 अभ्यर्थी डेरा डाले हुए हैं, सभी मेडिकल में पास हुए, क्वालिफाई कर मेरिट में आए, इसके बाद भी उन्हें रोका गया है, इनके अभिलेखी सत्यापन को नहीं कराया जा रहा है, बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि पद खत्म है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 575 पद खाली है, CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं, इस बारे में जानकारी की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा, यानी इनका कहना है अगर पद खाली होगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको एडजस्ट किया जाएगा और रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था,
वर्ष 2019 में 4730 पदों की भर्ती शुरू हुई, बाद में इसे 4651 पदों पर संशोधित किया गया, यानी पद थोड़ा सा घट गया। वर्ष 2022 में CBT परीक्षा हुई, दिसंबर 2022 में 13202 अभ्यर्थी पद के सापेक्ष 3 गुना सफल हुए। इन्हें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया, 7995 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। चिकित्सीय परीक्षण के लिए 4651 लोगों को बुलाया गया, इसमें 114 चिकित्सीय परीक्षण फेल हो गए, कुछ अनुपस्थित हुए। कुल 4076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, ठीक है। अब इसमें जो 4000 हैं, इसमें सबका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होगा, किसी का A2 होगा, किसी का A3 होगा, किसी का B1 होगा, किसी का B2 होगा, किसी का C1 होगा, ठीक है। जरूरी नहीं सबका B1 या A1 होगा। आगे क्या लिखा है, EWS के सर्वाधिक अभ्यर्थी बाहर, जैसे मैं बोला ना नया आया यहाँ पे। कहा जा रहा है कि RRC ग्रुप डी की इस भर्ती में सर्वाधिक नुकसान EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का हुआ है। चयनित न होने वाले लगभग 100 से अधिक अभ्यर्थी इसी वर्ग के हैं। अधिकांश के पास दो ही मैसेज आए हैं, एक नो पोस्ट, दूसरा नो इन पैनल, ठीक है, यानी पोस्ट बचा नहीं या फिर इन पैनल आपको किया नहीं गया। इसे लेकर अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। अब कहेंगे कि EWS के साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो ये भी मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, लॉजिक के साथ बताने वाला, ऐसा क्यों हुआ है, केवल EWS के साथ ज़्यादा क्यों है। जैसे मैं वीडियो स्टार्टिंग बोला हूँ ना, मैं बताऊँगा इसका रीज़न क्या है कि EWS के साथ ज़्यादा क्यों हो रहा है। आप जान रहे हैं अभी ये नया कैटेगरी, इससे पहले कभी नहीं था, ठीक है, पहली बार इसमें आया है, तो इसमें अभी आपको समझने में थोड़ा इशू हो रहा है क्यों इसके साथ हुआ है, बाकी के साथ क्यों नहीं हुआ, और क्या पहले भी ऐसा होता नहीं होता, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ और न्यूज़पेपर कटिंग देख लेते हैं। ये देखिए, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दफ्तर के बाहर गर्जे अभ्यर्थी, नारेबाजी, परीक्षा पास करने के बाद बताया जा रहा है पद हो गए हैं खत्म। लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 में प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी, अलग फोटो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए EWS सर्वाधिक अभ्यर्थी बाहर, यहाँ पे लिखा गया है। फिर आप देख लेते हैं, इस मामले की जानकारी नहीं है, RRC अफसरों के इस संबंध में बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर वही चीज़ जो उस न्यूज़ में देखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर से प्रोडक्ट लिखते हैं, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC दफ्तर के बाहर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए उनका चयन हुआ, मेडिकली भी वे फिट हैं, लेकिन अब लिखित सत्यापन के लिए महीनों से पैनल गठित नहीं किया जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि पद खत्म होंगे, जबकि ग्रुप डी के 575 पद अभी रिक्त हैं। दरअसल RRC की ओर से वर्ष 2019 में 4730 पदों की भर्ती शुरू हुई, बाद में से 4651 पदों पर संशोधित किया गया। वर्ष 2022 में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा हुई, तब एक पद के सापेक्ष 3 गुना 13202 अभ्यर्थी दिसंबर 2022 में सफल हुए। उन सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षण DSA ग्राउंड प्रयागराज में हुई, इसमें 7995 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। इसमें चिकित्सीय परीक्षण के लिए 4651 लोगों को बुलाया गया, इसमें कुछ अनुपस्थित हुए तो 114 चिकित्सीय परीक्षण में फेल हो गया, बाद में कुल 4076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस तरह से जितनी पोस्ट थी उसके सापेक्ष एक एक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इसमें अधिकांश बचे A2 A3 B1 चिकित्सीय स्टैंडर्ड को पास कर चुके। इस स्टैंडर्ड के तहत अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए अर्हता रखते हैं, ऐसे में उन्हें किसी पद के लिए यह कहकर नकार नहीं सकता कि बोर्ड के पास पद नहीं है। 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद लगभग 150 अभ्यर्थियों को नो पोस्ट, पद नहीं है बताकर अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। अब हताश अभ्यर्थी अपना चयन न होने कारण पूछने के लिए पिछले 4 दिनों से पहुंच रहे हैं, लेकिन चेयरमैन अनुराग सचान उनसे नहीं मिल रहे हैं। फिर यहाँ लिखा EWS सर्वाधिक अभ्यर्थी बाहर, RRC ग्रुप डी की इस भर्ती में सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक रूप से पिछड़े EWS अभ्यर्थियों को हुआ है। तकरीबन 100 अभ्यर्थी इसी वर्ग के हैं। अधिकांश के पास दो ही मैसेज आए हैं, एक नो पोस्ट, दूसरा नो इन पैनल। इसे लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है नो पोस्ट या फिर नो इन पैनल। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे तीसरा न्यूज़पेपर, पद 575 सफल अभ्यर्थियों को कहा नो पोस्ट, रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज मुख्यालय के बाहर ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, ठीक है। RRC मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी, यहाँ पर लोक सेवा आयोग का भी दिया गया है कट ऑफ, जारी नहीं किया गया, उसकी वजह से प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे उसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी सेम न्यूज़ है, मैं तीसरे बार फिर से उसी न्यूज़ को नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ समझते हैं क्यों ये हुआ है और ऐसा कैसे हुआ है, क्या पहले भी हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि जैसे जब कोई कैंडिडेट जो किसी कैटेगरी का होता है, चाहे OBC का हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, जब वो UR में क्वालिफाई कर जाता है तो उसके पास कोई पोस्ट पाने के दो दो ऑप्शन हो जाते हैं, UR से भी और अपने कैटेगरी से भी। ये मैं शुरू में भी बताया था, बट कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैला दिए थे कि जो UR से क्वालिफाई किया गया उसे कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब सच्चाई आपके सामने आ गई होगी कि कैटेगरी का भी फ़ायदा मिलता है और रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होता। UR का मतलब अनरिजर्व होता है, वो किसी का रिजर्व नहीं होता है। कोई वहाँ पहुँच सकता है तो सीट ले सकता है, उसमें नहीं लेता तो अपने कैटेगरी में आ जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है। और EWS वालों के साथ ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि EWS पहली बार आई है और EWS वालों के मार्क्स जो है लगभग UR के बराबर और ज़्यादा लोग UR में क्वालिफाई कर गए थे EWS वाले। रीज़न यही है क्योंकि EWS कट ऑफ आप देखें काफ़ी कम गया है, ठीक है।
तो जब कट ऑफ काफ़ी कम गया है और EWS वालों का पहले से UR के हिसाब से प्रिपरेशन रहता था, तो वो UR का कट ऑफ क्लियर कर लिए है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जब UR कट ऑफ क्लियर कर लिए, फिर जब उनका पोस्ट प्रेफरेंस चेक हुआ तो क्या हुआ, वो पहला पोस्ट प्रेफरेंस चेक हुआ वो UR से नहीं पाए, फिर EWS से अचानक पा गए। यानी क्या हुआ, वो EWS का एक सीट ले लिए UR में क्वालिफाई होने के बाद भी। इसका मेन रीज़न क्या है, EWS कट ऑफ जो है UR कट ऑफ से काफ़ी कम गया है। यही रीज़न है UR में होने के बावजूद वो EWS का सीट पा जा रहे हैं बहुत आसानी से, और बहुत ज़्यादा लोग EWS वाले बाहर हो जा रहे हैं, जो मैं बहुत पहले ही बताया था कि ऐसा केस होगा, ऐसा पहले भी हुआ है। ठीक है, बट इस बार ज़्यादा हुआ है क्योंकि कट ऑफ रेंज में बहुत ज़्यादा गैप आया है UR और EWS में, इस वजह से EWS वालों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहने का मतलब यही है, अगर कहीं कट ऑफ UR का 75 गया है, EWS का 65 गया है और कोई बंदा 76 नंबर पा गया है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस हम मान लेते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप है, तो उसको अगर 76 नंबर पे UR कैटेगरी से असिस्टेंट वर्कशॉप नहीं मिलता है तो उसका वही प्रेफरेंस उसके EWS से चेक किया जाएगा, तो EWS से उसको आसानी से मिल जा रहा है। यानी वो UR का सीट खाली छोड़ दिया और वो आ गया अपने कैटेगरी EWS में। ऐसे ही हर कैटेगरी के साथ हुआ है। तो OBC वालों के साथ कम होता है क्योंकि उनका कट ऑफ जो UR के आसपास रहता है, और SC ST वालों के साथ कम होता है क्योंकि SC ST वाले बहुत कम UR में पहुँच पाते हैं। और यहाँ पर रीज़न यही फंस है EWS का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पहुँचे हैं UR पे और उनका कट ऑफ भी बहुत कम गया UR से, इस वजह से EWS वाले बहुत ज़्यादा बाहर हो गए हैं। यानी सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ है। ठीक है, एक गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे हर एक कैटेगरी में, लेकिन बाद में जाके यही जो एक गुना का मामला इधर उधर हो गया है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग होता है फ्रेंड्स, जो बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे कैटेगरी शिफ्टिंग होगा, तो बहुत से जो लोग UR में क्वालिफाई किए हैं वो अपने कैटेगरी में आ जाएंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर वो UR से अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पाते हैं तो फिर उनका कैटेगरी से चेक किया जाएगा और कैटेगरी में पा जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है, अगर पहला पोस्ट वो UR से नहीं पाए फिर कैटेगरी से चेक किया जाएगा, अगर पहला पोस्ट वो कैटेगरी से भी नहीं पाते हैं तो दूसरे प्रेफरेंस पे आ जाएगा, दूसरे प्रेफरेंस देखा जाएगा, वो UR से पा जाएंगे तो UR का सीट ले लेंगे, अगर UR से नहीं पाते फिर वो कैटेगरी से उनको चेक किया जाएगा उनका सेकंड प्रेफरेंस। तो ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस चेक किया जाता है फ्रेंड्स, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड, आपके प्रेफरेंस, ठीक है, और जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तीनों चीज़ मिला के जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेक किया जाते। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो UR में क्वालिफाई किए थे बट फाइनल जो पैनल उनका आया उनका उनके कैटेगरी में आ गया, इस वजह से कैटेगरी के सीट्स घट गई और UR की सीट खाली चली गई हैं। यही बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप पर हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का क्या नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और बिल्कुल इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, उसका भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, और इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।